वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम रुचि गुप्ता, योर ईवीएस टीचर। मैडम, हम लेसन फिफ्थ कर रहे थे। लेसन फिफ्थ कर रहे थे, व्हाट द नेम ऑफ लेसन फिफ्थ? वेज ऑफ रिक्रिएशन। इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया? गेम्स, गेम्स एट स्कूल, गेम्स एट होम, प्लेइंग टुगेदर, साथ साथ खेलने के लिए, एंड फन एंड फाइट एट प्ले। और प्ले करते टाइम जो मस्ती आती है और जो हम फाइटिंग करते हैं, इसके बारे में भी रीड किया। तो आप ये बताइए, जितना भी अभी तक हमने रीड किया है, क्या वो ऐसा ही है कि सिर्फ बुक में ही लिखा हुआ है, खाली बुक में ही राइट है? क्या ऐसा नहीं लगता जब हम ये सारी बातें सुनते हैं, अरे हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा तो जब हम खेलते हैं तब ऐसा होता है, हम खेलते हैं तो ये भी होता है, ये गेम हम बाहर खेलते हैं, ये गेम हम अंदर खेलते हैं, तो होता है ना ये सब कुछ। तो खाली ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी होता है सब कुछ। आज हम जो रीड करेंगे वो करेंगे काइट फ्लाइंग। ये करते हो ना, करते हो कि नहीं करते आप लोग? सक्रांत पे अपने यहाँ पर मिल ली, अपन राखी उड़ाते हैं राखी पर, अपने अलवन में तो मेनली राखी कहाँ होती है? राखी पर, राखी पर अपन लोग काइट उड़ाते हैं। लेकिन जयपुर वगैरह में आप देखना, मकर संक्रांति पे भी बहुत काइट्स उड़ती हैं। और फिर उन्हें तो ये दमादम मम्मी आवाज लगा रही है, बेटा नीचे आ जा, मम्मी बस एक मिनट, ये काइट काट देता हूँ, ये काटी, ये काटा, और चरखी अच्छे से पकड़ो, कितना मजा आता है। तो एंजॉय करना अच्छी बात है, हर चीज में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ध्यान में रखना चाहिए। काइट फ्लाइंग इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया। पीपल फ्लाई काइट्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को भी उड़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम राखी पर भी उड़ाते हैं। तो काइट का ये बहुत सिंपल सी चीज है कि एक बहुत पॉपुलर है ये, और ये मकर संक्रांति और इंडिपेंडेंस डे के दिन उड़ाई जाती है, और राखी वाले दिन भी उड़ाई जाती है, और इसको उड़ाने में बड़ा ही मजा आता है। लेकिन ये बुक में नहीं है, लेकिन मैम आपको स्पेशली बता रहे हैं, काइट फ्लाइंग करते टाइम भी कुछ बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। काइट फ्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हर तरह के एंजॉय करो लाइफ में। बट हम कहाँ उड़ा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, कितनी तेज धूप है, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा है कितनी बार बच्चे काइट फ्लाई करते करते नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि छत का एंड कहाँ हो रहा है, और वो उसको रेगुलर उड़ाते रहते हैं। तो कुछ सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। सर्कस, सर्कस देखा है, जहाँ पर क्या होते हैं, जॉकर होते हैं, और जॉकर अपनी कार्टून पंक्ति से हमें हंसाते हैं। सर्कस इज एन ओल्ड पॉपुलर मीन ऑफ रिक्रिएशन, अ लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर दैट इंक्लूड क्लॉन। क्लॉन कौन होते हैं जानते हैं आप लोग? जो जॉकर टाइप में होते हैं, मस्ती करवाते हैं, ट्रेपेज आर्टिस्ट एंड एक्रोबेट्स परफॉर्मेंस टू एंटरटेन द ऑडियंस इन अ सर्कस। सर्कस में इन लोगों के द्वारा हमें एंटरटेनमेंट किया जाता है। आप तो सर्कस थोड़े कम लगते हैं, लेकिन सर्कस में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, ऐसे रिंग को डाल करके, और साइकिलिंग करते हैं, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं हमें सर्कस में। फेयर, फेयर क्या होता है? फेयर मीन्स होता है मेला, फेयर मीन्स मेला। फेयर्स आर हेल्ड इन ओपन ग्राउंड। हमेशा आपने देखा होगा कि मेला कहाँ लगता है, ओपन ग्राउंड में। कहाँ लगता है मेला? ओपन ग्राउंड में, विद लॉट्स ऑफ राइड्स, गेम्स, टॉयज, फूड एंड अदर फन एक्टिविटीज। जब हम मेले में जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होती हैं, गेम्स होते हैं, आपने वो एक नॉर्मल गेम है ये, तो ये रिंग डालते हैं, चलो रिंग डालते हैं इसमें, और देखो हमारे गिफ्ट निकल गया, हम गिफ्ट के लालच में उसको खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, झूले झूलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, और अच्छे अच्छे वहाँ पे फूड खाते हैं कि यहाँ ये स्टॉल लगी है इस फूड की, ये इस स्टॉल इस फूड की लगी है, तो अलग अलग स्टॉल्स लगी होती हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, फूड खाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन देम। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सेल होती हैं, आपने देखा है वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, कोई ज्वेलरीज की शॉप है, तो कोई ड्रेसेस की शॉप है, कोई अचार की शॉप है, कोई नमकीन्स की शॉप है, कुछ स्लीपर्स वगैरह होंगे, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स आपको वन प्लेस में ही मिल जाती हैं।
उसी एक जगह में आपको खाने का, एंटरटेनमेंट का और हर तरह के रिक्वायरमेंट की चीजें मिल जाती हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, क्रिसमस, दशहरा एंड न्यू ईयर। सम फेयर लाइक कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला आर और हर वन रिलीजियस ओकेजन। जो मैम ये मेले बता रही हैं, फेयर बता रहे हैं, ये मेनली कब लगते हैं? दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ये जो फेस्टिवल होते हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल के टाइम पे ज्यादा लगते हैं। और एक फेयर होता है पुष्कर मेला और कुंभ मेला। नाम सुना ना, कुंभ के मेले में खो जाओगे, बहुत सारी मूवी में भी देखा है। अरे मेरा बिछड़ा भाई मिला है, ये कुंभ के मेले में खो गया था, तो बताते ना बहुत सारे। तो ये होते हैं कुंभ मेला और पुष्कर मेला। ये कौन से मेले हैं, कौन से फेयर हैं? ये रिलीजियस, धार्मिक, ठीक है। फेयर लाइक द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरज कुंड, क्राफ्ट मेला, बुक फेयर एंड ऑटो फेयर रन फॉर मैनी वीक्स। जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, सूरज कुंड, क्राफ्ट मेला होता है, बुक फेयर होते हैं, ये क्या होता है, वीकली चलते हैं, 7 days के लिए, बहुत सारे मतलब सप्ताहों के लिए चलते हैं, बहुत छोटे टाइमिंग के लिए नहीं होते। पपेट शो, पपेट शो आप लोगों ने देखा है क्या? एक अंकल आंटी एक डोरी में गुड्डे गुड्डी को लटका देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये वाला अगर ध्यान दिया हो तो, कभी देखा हो तो, ऐसे ऐसे डांस वगैरह करवाते हैं। तो क्या होता है इसमें, उसके हैंड पे, नेक पे, लैप पे, सब जगह वो रस्सी से, एक डोरी से उन्हें अटैच कर लेते हैं और वो उसको हिलाते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है ये लोग डांस कर रहे हैं। A puppet is a small figure of doll, animal and human being made of cloth. ये किससे बनते हैं? क्लोथ से बनते हैं। It is moved with the help of string attached to its body part. और ये क्या होते हैं? इनके body parts को attach कर लिया जाता है। Puppetry is the art of making and handling puppets. Puppetry क्या होता है? एक art होती है जो हैंडलिंग होती है, हाथ के थ्रू पपेट्स का शो दिखाती है। A puppeteer is a person who moves the puppets and speaks and sings as well. और पपेटर कौन होते हैं? पपेट्री जो शो होता है और पपेटर जो वो शो हमें दिखाते हैं, जो वो शो हमें दिखाते हैं उन्हें कहते हैं पपेटर। पपेट शो आर एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बहुत पुराना तरीका है एंटरटेनमेंट का, अब आज के टाइमिंग में बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर मिलेंगे आपको ये, लेकिन पहले ये बहुत होते थे, हमारे स्कूल में बहुत दिखाने आते थे पहले इस तरह के शो वगैरह। They are very popular among village folk. These shows often tell stories that are humorous and have a moral as well. Sometimes Ramlila is also depicted through puppet show. कभी कभार रामलीला भी इसके थ्रू दिखाई जाती है, पपेट शो के थ्रू, और इस पपेट शो के थ्रू कोई स्टोरी समझाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल एक बार मैम आपको वापस से पूरे चैप्टर को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से विदाउट बुक के एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर नहीं होगा। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की, किसी भी एनीवे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? ये वर्क आप लोगों का मैम करवा चुके हैं। अब आज मैम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब देखिए इधर देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट सर्कस एंड फेयर। आप सर्कस और फेयर के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आप आंसर सेल्फ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर्कस में क्या होता है, क्लोन वगैरह के द्वारा एंटरटेनमेंट किया जाता है, और फेयर में क्या होता है कि लॉट्स ऑफ होते हैं। हाउ डज प्लेइंग टुगेदर हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों का एक साथ खेलना कैसे हेल्प करता है हमें, बच्चों को कैसे हेल्प करता है। तो पेज नंबर 23 में आप प्लेइंग टुगेदर से लेकर के अनादर यहाँ तक टिक करेंगे और ये आंसर राइट करेंगे। क्लियर? नंबर थर्ड, व्हाट आर यू योर फेवरेट मीन ऑफ रिक्रिएशन, आपका रिक्रिएशन क्या है, मतलब व्हाट आर योर फेवरेट मीन ऑफ रिक्रिएशन। तो आपका फेवरेट कौन सा रिक्रिएशन है, तो आप इससे तरीके से लिखेंगे माय फेवरेट मीन ऑफ रिक्रिएशन आर। अब जो जो चीज़ें करने में आपको मज़ा आता है वो लिखेंगे आप। नंबर फोर्थ, हाउ डज अ पपेट मूव,
पपेट कैसे मूव करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम पपेट मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट्स बॉडी पार्ट्स। क्लियर? थैंक यू बेटा, आपको ये कंप्लीट करना है अपना वर्क। हैव अ नाइस डे।